कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ आज सूरत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इस मामले में सजा सुनाए जाने के खिलाफ राहुल 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। वो कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए भी अर्जी दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी सूरत आ सकती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक तीन राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ कोर्ट पहुँचेंगे। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के साथ कोर्ट तक जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर मोदी सरकार पर देशवासियों का फोन हैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार ने पिछले चुनावों से पहले विदेशी मदद से पेगासस के जरिए देश के नागरिकों, विपक्ष, न्यायपालिका, चुनाव आयुक्त और पत्रकारों पर जासूसी की। अब चुनाव से पहले एक बार फिर विदेशी सहायता लेकर देशवासियों के फोन को हैक करने की साजिश सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।